हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं बैंगन का भरता। बैंगन का भरता बहुत तरीके से बनता है, तो आज हम अपने तरह से बनाने वाले हैं और मेरे तरीके से आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप हर बार इस तरह से बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से हम बनाते हैं बहुत कम चीज़ों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया एक बैंगन जो कि आधा किलो से थोड़ा सा कम है, तो इसको हमने अच्छे से धो लिया है। एंड इसके अलावा हमने ली है दो प्याज जो कि मीडियम साइज़ की है, दो टमाटर ली है ये भी मीडियम साइज़ में है, अदरक एंड लहसुन को हमने ग्रेट कर लिया है। आपके पास पेस्ट है तो आप पेस्ट यूज़ कर ले। हरी मिर्च हमने एक ली है, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। एंड कुकिंग के लिए हमने सरसों तेल ली है और मसाले में हमने लिया है 1.5 चम्मच नमक एंड मिर्ची पाउडर हमने ली है 1/2 चम्मच और गरम मसाला लिया है, हल्दी ली हमने 1 चम्मच, धनिया पाउडर ली है 1 चम्मच एंड ये जीरा पाउडर है 1/2 चम्मच एंड हमने खड़े जीरा लिया है फ्राई करने के लिए। तो अब हम इस बैंगन को तैयार कर लेते हैं सेकने के लिए। तो हमने चक्कू से इसमें बीच में कट लगा दिया, जैसे कि आप देख रहे हैं इसको हमने कुछ इस तरह से कट किया है, पूरी तरह से नहीं किया है, बीच से काटा है ताकि ये अंदर से हमें ये भी दिख जाए कि ये कुछ ख़राब तो नहीं है इसके अंदर और अच्छे से सिक जाएगा। जब हम इसको सेकेंगे तो ये अंदर तक अच्छे से सिक जाएगा। तो इस तरह से हमने 2-3 जगह कट लगा दिया एंड इस एक कट के अंदर हमने ये हरी मिर्च डाल दी, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है जब ये मिर्च भी इसके साथ सिक जाती है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम इसको ग्रीस करने वाले हैं, बैंगन के ऊपर थोड़ा सा सरसों तेल लगाने वाले हैं, जिससे जब हम इसको सेकेंगे उसके बाद इसका छिलका निकालने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, आराम से इसका छिलका निकल जाएगा, बस इसलिए हमने थोड़ी सी तेल लगा दी है। तो चलिए अब हम इसको सेकते हैं। तो यहाँ पे हमने गैस जला लिया एंड मेरे पास कुछ इस तरह का स्टैंड है, अगर आपके पास रोटी वाला स्टैंड है तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। एंड इसके ऊपर अब हम रखेंगे बैंगन और इसको हम बहुत अच्छे से सेकेंगे चारों तरफ से। तो ये हमने रख दी। अब हम धीरे धीरे इसको थोड़ा सा लो फ्लेम पे ही पकाएंगे क्योंकि हाई फ्लेम पे ये जल सकता है, तो लो फ्लेम करके आप आराम आराम से पका सकते हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा सिंपल एंड ईजी तरीका है। इसके अलावा हम एक और तरीके से भी बनाते हैं दही के साथ, लेकिन वो हम आपको आगे किसी और वीडियो में ज़रूर उसका रेसिपी बताएंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से पक रहा है बैंगन। तो धीरे धीरे हमें इसको घुमाते जाना है एंड इसको अच्छे से सेक लेना है। अब ये अच्छे से पक चुका है तो हमने गैस ऑफ कर दिया। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं एंड थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, इसके बाद हम इसको छीलते हैं। तो ये है देखिए, छिलका बहुत आराम से निकल रहा है इसका ऊपर से, इसलिए कि हमने तेल लगा दिया था इसके ऊपर, तो मेरे को ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये बहुत आराम से सारा इसका ऊपर से छिलका निकल जाएगा। थोड़ा सा फोक यूज़ कर सकते हैं आप, फोक के साथ आराम से निकल जाता है, तो फिर आप फोक यूज़ कर लें या स्पून यूज़ कर लें। अभी भी हल्का गर्म है, ये पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, तो आप जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप आराम से निकाल लीजिएगा इसका छिलका। ये हमने छील लिया है इसको पूरी तरह से। अब हम इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं क्या, ताकि हम इसको अच्छे से स्मैश कर पाएं। तो हमने बाउल में शिफ्ट कर दिया है एंड इसका जो ऊपर का जो डंडी है उसको हमें काटना है, तो ये हम काट देते हैं इसको चाकू से। अब हम इसको अच्छी तरह से स्मैश कर लेंगे फोक की मदद से। तो हम इसको ऐसे करके अच्छे से स्मैश कर लेते हैं। इसके साथ मिर्ची भी इसमें अच्छे से स्मैश हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी एंड बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका बैंगन के साथ। तो इसमें आप आराम से 2-3 मिनट लेके आराम आराम से करिएगा स्मैश, अच्छे से कर लीजिएगा। तो ये हमने कर लिया है इसको स्मैश। अब हम कढ़ाई चढ़ा देते हैं एंड आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो जो बची हुई तेल थी वो तेल हमने इसमें डाल ली है एंड इसके तेल गर्म होने के बाद हमने इसमें जीरा डाल दिया एंड जीरा थोड़ा सा पक जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे प्याज एंड प्याज को हम 2-1-2 मिनट के लिए पकने देंगे, जैसे कि हम थोड़ा सा इसको ब्राउनिश कर लेंगे
एंड इसके बाद हम डालेंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद अभी ये अच्छे से पक चुका है प्याज, ये आप देख सकते हैं। तो हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दी इसमें एंड अगेन 1 मिनट के लिए हम इसको फिर से पकाएंगे ताकि जो मिर्ची अदरक और लहसुन का जो पेस्ट हमने डाला है ये अच्छे से इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। एंड थोड़ा 1-2 मिनट के बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। तो ये देख सकते हैं हमने टमाटर ऐड कर दिया एंड अब जो भी मसाले हैं वो मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। जैसे कि हमने आपको जो भी मसाले दिखाए थे, नमक डाल दी हमने इसमें, इसके बाद हम इसमें हल्दी डाल दे रहे हैं 1 चम्मच, मिर्ची पाउडर डाल देंगे, मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, मिर्च हम बहुत कम यूज़ करते हैं तो इसलिए हमने आधी चम्मच से भी कम डाली है, अगर आप तीखा खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डाल लीजिएगा। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं धनिया पाउडर 1 चम्मच और हम डाल दे रहे हैं इसके साथ जीरा पाउडर 1/2 चम्मच और लास्ट में हम इसमें डाल रहे हैं गरम मसाला थोड़ा सा। तो चलिए अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एंड इसके बाद इसको आराम से पकने देते हैं। तो इसको 3-4 मिनट लगेगा। अब हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं एंड ढक के पका लेते हैं अच्छे से। जितना अच्छा कोई भी सब्जी हो, अगर आप जो इसका जो मसाला होता है वो जितने अच्छे से पकेगा सब्जी उतनी अच्छी बनेगी। तो इसको हमने खोला है एंड हम इसी चम्मच से थोड़ा सा उसको स्मैश कर रहे हैं टमाटर को, क्योंकि हम इसमें पानी वानी कुछ नहीं यूज़ करने वाले तो हमें इस मसाले को अच्छे से पकाना है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको स्मैश कर दिया हमने ताकि वो पूरा बैंगन में अच्छे से मिक्सअप हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम इसको बस 1 मिनट के लिए रहने देंगे, ज़्यादा देर नहीं। इसके बाद हम इसमें बैंगन का जो भरता हमने बनाया था उसको मिक्स कर देंगे इसके साथ। तो ये आप देख सकते हैं ये बैंगन हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एंड इसके बाद बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 1 से 1.5 मिनट हमें इसको चलाना है, थोड़ा सा इसको रहने देना है एंड उसके बाद हमारा बैंगन का भरता बिल्कुल रेडी है। तो आप ज़रूर मेरे इस तरह से आप जैसा हमने बनाया है आप ज़रूर ट्राई करना, आई एम वेरी श्योर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से बनाई है हमने। बहुत अलग अलग तरीके से बनता है बट बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना चाहते थे, सिंपल तरह से टेस्टी डिश बनाना चाहते थे, तो बस इसलिए हमने आपको ये वाला तरीका दिखाया है। आगे हम आपको एक और रेसिपी बताएंगे बैंगन के भरते की, वो भी बहुत ही अच्छा बनता है। तो फिलहाल आप ये वाला ट्राई करिएगा और मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अब हमने गैस ऑफ कर दिया है एंड ये भरता बिल्कुल तैयार है, देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा कलरफुल लग रहा है। एंड प्लीज़ आप धनिया ज़रूर डाल लीजिएगा, मेरे पास धनिया यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से नहीं मिल रहा है तो इसलिए हमने नहीं ऐड किया है, आप कर लीजिएगा। अगर आपको ये डिश पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।